बीएड सेकंड ईयर अपना जो सब्जेक्ट है सामाजिक विज्ञान शिक्षण, आज का जो टॉपिक है उसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे सामाजिक विज्ञान की पाठ्यपुस्तक। सामाजिक विज्ञान की पाठ्यपुस्तक कहने का मतलब ये है कि अध्यापक के एम छात्र अध्यापक एवं छात्र है ना, दोनों के लिए महत्वपूर्ण है ना। ठीक, प्राचीन काल में यद्यपि भारत के गुरुकुल एवं शिक्षा मंदिरों में पाठ्य पुस्तक का अधिक महत्व नहीं था है ना। पहले के जमाने में कि भारत के जो गुरुकुल है उसके अंदर शिक्षा मंदिरों में पाठ्य पुस्तक का अधिक महत्व नहीं था है ना। फिर उसके बाद जो कि क्योंकि गुरुकुल स्वयं भी जीती जाति पुस्तक होते थे, गुरुकुल के अंतर्गत जो जीती जाति पुस्तक होते थे है ना, होता था वहीं से सभी प्रकार का आवश्यक, क्योंकि गुरु स्वयं ही जीती जाति पुस्तक होता था और वहीं सभी प्रकार का आवश्यक जीवन उपयोगी ज्ञान शिष्यों को मौखिक रूप में देते, जो भी जो जीवन उपयोगी जो ज्ञान होते थे वो मौखिक रूप से देते थे है ना। तो तब तथा शिष्य उसे रखते थे और फिर एवं अपने भावी जीवन में उतरने की तैयारी करते थे। तो परंतु जैसे जैसे जो गुरुकुल का प्रचलन समाप्त हुआ है ना, फिर विभिन्न विषयों की जो विषय वस्तु का प्रचार हुआ और पुस्तकों का ज्ञान अर्जन में महत्व दिनों दिन बढ़ता गया। पहले के जमाने में क्या होता था कि एक गुरु और शिष्य के अंतर्गत जो गुरु जो शिक्षा जो प्रणाली होती है तो वो एक खुद एक जिती जागती मतलब जो वर्बली खाली शिक्षा देते थे है ना, तो वो जो शिक्षार्थी होते उसको रटने की परिक्रिया इस तरह से उस शिक्षा को ग्रहण करते थे। फिर धीरे धीरे ये विकसित हुआ उसके बाद में ना इनके जो उतर में तो इनके जो गुरुकुलों का प्रचलन समाप्त हुआ है ना। फिर धीरे धीरे इन पाठ्यपुस्तक जो विभिन्न विषय की पाठ्यपुस्तक था उनका निर्माण हुआ है ना। फिर पाठ्यपुस्तक ज्ञान जन महत्व दिनों दिन बढ़ता गया है ना। इसीलिए सामाजिक विज्ञान की पाठ्यपुस्तक और भी जितने भी जो भी सब्जेक्ट जो भी है तो पाठ्यपुस्तक का निर्माण इसीलिए किया गया ताकि है ना। तो ये एक अध्यापक एवं छात्र दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। फिर इसी के अंतर्गत जो परिभाषा दी गई है ऑक्सफोर्ड कंसाइल शब्दकोश के अनुसार है ना, एक परिभाषा दी गई है जिसका अर्थ है इसके अंतर्गत जो पाठ्य पुस्तक वह साधन है जिसके द्वारा शिक्षक शिक्षक मार्गदर्शन शिक्षक मार्गदर्शन देता है। ठीक है, फिर इसी का अंतर्गत तथा वह ज्ञान ज्ञान की शाखा की एक प्रामाणिक पुस्तक थी ठीक है, एक पुस्तक होती है। कहने का मतलब ये इसका अर्थ है
पाठ्य पुस्तक वह साधन है ना, एक साधन है उसके माध्यम से जिसके द्वारा शिक्षक मार्गदर्शन देता है ना। कहने का मतलब ये कि जैसे कि भाई बच्चा जब जन्म लेता है तो परिवार के अनुकूल वो जो भी जो शिक्षा ग्रहण करता है, देख रेख कर खाना पीना जो भी है ना, तो ये एक फिर उसके बाद बच्चा विद्यालय की ओर प्रवेश करता है, तो विद्यालय की ओर प्रवेश करता है तो शिक्षक का भाई नर्सरी क्लास का बच्चा है तो किस माध्यम से वो सीखेगा, तो पाठ्य पुस्तक का जो निर्माण किया गया है एक एज के अकॉर्डिंग है ना, तो उसके माध्यम से शिक्षक मार्गदर्शन देता है, फिर वो धीरे धीरे डेवलप होता है, फिर नेक्स्ट क्लास में जाता है, फिर वो पाठ्य पुस्तक उसका जो सिलेबस होता है उसको पूरा कवर करता है, उसके बाद में उसका मूल्यांकन किया जाता है, फिर वो योग्य होता है, फिर वो नेक्स्ट वापिस दूसरी क्लास में जाता है। तो ऐसे ही पाठ्य पुस्तक वह साधन है जिसके द्वारा शिक्षक मार्गदर्शन देता है तथा वह ज्ञान की शाखा की एक प्रमाणिक पुस्तक होती है। एक पुस्तक के माध्यम से ही पूरे ज्ञान को वो एक शिक्षक शिक्षार्थी को मार्गदर्शन के माध्यम से ज्ञान अर्जित करवाता है, ज्ञान देता है ना। तो ये प्रमाणिक पुस्तक होती है, पुस्तक के माध्यम से ही जितना जो इसके अंतर्गत जो ज्ञान है एक सिलेबस के हिसाब से वो किस प्रकार है ना, उसको ज्ञान को वो है ना, ज्ञान को वो बांटता है। ठीक है, उसके बाद जैसे कि ये तो सामाजिक विज्ञान की पाठ्यपुस्तक इसकी आवश्यकता और महत्व के बारे में बहुत है। तो कहने का मतलब ये इसकी देखो पाठ्यपुस्तक का पहले के ज़माने में शिक्षा किस प्रकार होती थी, अभी के ज़माने में किस प्रकार शिक्षा होती है, आने वाले समय में किस प्रकार शिक्षा होगी, तो ये इसका कहने का मतलब ये सामाजिक विज्ञान की पुस्तक के अंतर्गत पुस्तक की बहुत ही आवश्यकता होती है, पुस्तक के माध्यम में है ना, इसके माध्यम से ही सारा कार्य किया जाता है, इसकी आवश्यकता और महत्व के बारे में बहुत बताया गया है ना। इसके अंतर्गत जैसे कि कहने का मतलब ये है कि जब उस प्रयोग के कहने का मतलब ये एक्सपेरिमेंट करना बहुत आवश्यक है, किसी भी कार्य को करने के लिए एक्सपेरिमेंट करना बहुत आवश्यक है, उसका जो सतत आत्मसात करना कभी संभव है जबकि सतत अभ्यास किया जाए है ना। तो इसके लिए इसका कहने का मतलब ये कि जो पाठ्य पुस्तक है ना, पाठ्य पुस्तक के माध्यम से ही बच्चे का जो सिलेबस के हिसाब से एज के हिसाब से उसका डेवलप किस प्रकार होता है ना, धीरे 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 वो उस चीज़ को ग्रोथ करता है, नेक्स्ट उसका मूल्यांकन होता है, उसका फिर नेक्स्ट क्लास में रहता है, फिर वो उसी हिसाब से वो पाठ्य पुस्तक का जो निर्माण किया जाता है, फिर उस पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत जितना भी जो भी ज्ञान है वो अर्जित करता है ना, धीरे धीरे वो पूरे साल में जो भी उस चीज़ को सीखता है ना, फिर वापिस उसका मूल्यांकन किया जाता है, फिर नेक्स्ट क्लास में रहता है। ऐसे ऐसे जो प्रक्रिया है उसमें क्रमबद्ध है, क्रमबद्धता के रूप में वो पाठ्यपुस्तक की आवश्यकता और वो है ना आवश्यकता और महत्व को बताया गया। तो बहुत ही जरूरी है पाठ्यपुस्तक पाठ्यपुस्तक के माध्यम से ही एक साधन के हिसाब से अपन उसका वहाँ तक अपन पहुँच सकते हैं है ना। तो ये विशेष और है ना, ठीक है। उसके बाद मैंने इसकी जो सामाजिक विज्ञान की एक अच्छी पाठ्यपुस्तक की जो विशेषता है उसको देख लेते हैं अपन। सामाजिक विज्ञान की पाठ्यपुस्तक की विशेषता है ना, एक अच्छी पाठ्यपुस्तक है ना, सामाजिक विज्ञान की एक अच्छी पाठ्यपुस्तक की विशेषता। इसके अंदर एक पहला बताया गया है बालक की आवश्यकता, बालक की आवश्यकता की पूर्ति। इसके अंदर जो बच्चा जब है ना मानचित्र आंकड़े और रेखा चित्र तालिका विषय सामग्री के अभ्यास प्रश्न पत्र
हो जाता है। उसके माध्यम से वो बच्चा किस प्रकार उसकी जो मूर्ति होती है वो किस प्रकार उस चीज़ को सीखता है। तो एक जो रेखा चित्र होते हैं, मानचित्र होते हैं, है ना, तालिका होती है, आंकड़े होते हैं, उसी सामग्री के माध्यम से वो उस एक अच्छी अच्छी पाठ्यपुस्तक की जो विशेषता होती है वो बालक की आवश्यकता की पूर्ति हो सके, है ना। नेक्स्ट जो अपने आते हैं विषय वस्तु, विषय वस्तु का विषय वस्तु का क्रमबद्धता, है ना। इसके अंदर जो भाई विषय वस्तु की जो क्रमबद्धता है उसकी जो सही जानकारी है, किस प्रकार एक अच्छी जो पाठ्यपुस्तक की जो निर्माण करते हैं उसके अंदर जो क्रमबद्धता बनी रहती है, है ना। फिर नेक्स्ट लिखा रहता है कौशलों का विकास, इसके अंदर जो कौशलों का जो विकास होता है ना, जो बच्चे पाठ्यपुस्तक से अध्ययन करने वाले विश्लेषण में तुलना करने वाले रेखांकन मान चित्रांकन, तो बच्चे की जो स्किल किस प्रकार डेवलप होती है उसके माध्यम से उसका विकास किया जाता है। फिर फोर्थ आता है मार्ग समस्या यानी अभ्यास, है ना। इसके अंदर जो समस्या होती है ना, तो उसको अनेक जो अभ्यास होते हैं है ना, इसके माध्यम से वो किस प्रकार उस समस्या को निराकरण किया जाता है ना। एक दत्त कार्य जो जो भी प्रश्न होते हैं किसी को नहीं समझ रहे समस्या होती है उसको किस प्रकार उसको अंतर्गत अपन समस्या का निराकरण करिए, एक अच्छी जो पाठ्यपुस्तक की विशेषता उसके अंतर्गत किस प्रकार उसका निराकरण किया जाता है, उसके अंतर्गत समस्या जो अभ्यास होते हैं उसके अंतर्गत। फिर फिफ्थ आता है मार्गदर्शन, मार्गदर्शन जिसके मार्गदर्शन अध्यापक जो शिक्षार्थी होते हैं ना उसके मार्गदर्शन में जो भी जो पाठ्यपुस्तक एक अच्छी पाठ्यपुस्तक किस प्रकार गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जा रही है उसके अंतर्गत अमुक जो स्तर होते हैं जो पढ़ रहे हैं जो क्या पढ़ाना है, तो ये सब चीज उसके माध्यम से मार्गदर्शन के माध्यम से किया जाता है, ठीक है ना। फिर इसके अंतर्गत शिक्षक जो आता है अपना जो टॉपिक शिक्षा विधियों का निर्धारण, है ना, शिक्षण विधियों का निर्धारण परिस्थितियों में ध्यान में रखते हुए जो प्रकरण है ना विषय वस्तु है ना जो सामग्री है उसके माध्यम से किस विधि का अपन कार्य कर रहे हैं, किस विधि से अपन मतलब पढ़ा रहे हैं, तो ये एक अच्छी पाठ्यपुस्तक की जो विशेषता है उसको डेवलप करती है। फिर अपना जो आता है राष्ट्रीय एकता अखंडता, है ना, जो सेवन आता है अपना राष्ट्रीय एकता अखंडता की भावना, फिर आता है अपना अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, है ना। फिर प्रेम तथा शांति की भावना, है ना, भावना का विकास, राष्ट्रीय एकता अखंडता की भावना, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, प्रेम तथा शांति की भावना का विकास, है ना। ये जो अच्छी जो एक पाठ्यपुस्तक होती है उसको किस प्रकार इसके अंतर्गत जो गुण जो गुणात्मक जो डेवलप करता है एक राष्ट्रीय एकता अखंडता की भावना, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, प्रेम तथा शांति की भावना का विकास, है ना, तो उसके अंतर्गत ये बताया गया। फिर एक एक लास्ट जो अपना होता है पूर्ण ज्ञान, पूर्व ज्ञान का होना आवश्यक है, है ना। इसके अंतर्गत बताया गया है कि पूर्व ज्ञान होते हैं जो अपन जो प्रकरण जिस टॉपिक को अपन पढ़ा रहे हैं, है ना, उसका पूर्व ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक है, जो क्रम वाइज अपन उस माध्यम से अपन उस टॉपिक को समझ सके, है ना। आज के लिए इतना ही काफी, ठीक है।
कक्षा को व्यवस्थित बनाने के लिए और ध्यान से सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।